वेलकम नाजरीन एटी द लेजेंड्स के साथ मैं हूं उस्मान। हमारे मशहूर तजज़िया कार मोहम्मद हनीफ जोया जो कि एक साथ से लापता है, आज हमें हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि वो इस दुकान में कहीं काम करते हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनके कुछ राय जानते हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं वो किस बिल में छुपे हुए हैं। हाँ तो नाज़रीन, हम इस दुकान के छत पर पहुंच चुके हैं जहाँ हनीफ जोया साहब हैं और मेरे मुताबिक वो यहाँ पे गाना गा रहे हैं। आइए हम उनको देखते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या से क्या हो गया बेवफा। बहुत ज्यादा तल्ले मिनतों और पैसों के जान से देने के बाद हमने हनीफ जोया साहब को मना लिया है कि वो हमसे बात करें। आइए अब हम उनसे पूछते हैं कि वो एक साल से कहाँ थे। जी जोया साहब, एक साल से आप लापता थे, आप कहाँ थे? बड़ी दुख भरी दास्तान है। जिदों तुहाडे प्रोग्राम कीते आवाम मेरे पिछे पै गई, फैन वध गए। अच्छा, ते कर्जे भी वध गए। कर्जे वध गए तुहाडे शो तो बाद फिर मैं ला गया डंकी। तू तो गल सुनी होनी है। किस मुलाजम में डंकी लगाई थी आपने? ओ पहला मेरी तो सुन ला, मैं डंकी तो लाई, तू गल तो सुनी होनी है कि तीन हफ्ते तक नौजवान अगर मल्ले में नजर ना आए तो मतलब डंकी ला। जी तो जो ऐसा, आपने किस मुलक में डंकी लगाई और क्यों लगाई और किन हालात में लगाई? हाँ दसदा, मैं चाइना दे टीवी देख रहा थी, चाइना दे पाकिस्तान की दोस्ती काफी वध रही थी, तो कह रहे थे कि मुलक दोनों उत्ते जाएंगे। मैं सोचा हथे तो मेरे हालात चेंज होने नहीं, चलो उत्थे टुट चल दिया। मैं फिर डंकी ला ली, डंकी वाले ने कहा कि 1.5 लाख दे दे तेनू चाइना पूरा पहुंचा देंगे। मैं कहा मेरे को 145 ले लै, तो मैंने थोड़ा पिछे ला दी। उन्हें थोड़ा ज्यादा ही पिछे लाता, मैंने बाद पता लग्या कि मैंने ग्वादर पोर्ट से ला गई। अच्छा, उ मैंने पाकिस्तानी पुलिस ने फड़ लिया। अच्छा, पुलिस की तो खैर सी, मैं ना 500 दे के चिड़ी गया, उतो आर्मी वाले ने फड़ लिया। अच्छा, आर्मी वाले ने मैंने 2 महीने रखिया। चल चल और को गल सुना जोया साहब, अगर मैं आपके मालिक से बात करूं तो क्या आप हमारे वॉशरूम भी साफ कर दिया करेंगे और साथ साथ आपके कभी कभार हमें इंटरव्यू भी ले दिया करेंगे, इसके बाद में आपको क्या कहना है? मतलब मैं दोबारा मशहूर होऊंगा? बेशक, एट्यू द लेजेंड्स को आपकी जरूरत है, आप हमारे मशहूर तजियाकार हैं, तो क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे? डन सर, मैं आ गया, तू जा के बस मालिक ना गल कर, मैं आ गया, तू जा, तू जा रहा दसा। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं नहीं जोया साहब के मालिक के पास, आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो जोया साहब को हमारे साथ जाते हैं। जी सर, जोया साहब की हमें जरूरत है तो आप इजाज़त दे दें कि वो हमारे साथ जाए। जी मैं जान गया सर। और जोये सर वो काफी रस्ती रह चुके हैं, अच्छे तजिया कार हैं, आप जाने दें प्लीज। जी मैं नहीं जान रहा हूँ सर, उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है, तो आज काफी सारी ने ज्यादा दे दे सर, देखिए कैसे गिड़गिड़ा के नाजी, देखिए जोया साहब कैसे गिड़गिड़ा के अपने मालिक से फरमाइश कर रहे हैं और उनके मालिक मान गए हैं। थैंक यू सर, जोया साहब को हमारे साथ जाने की इजाजत।